हिंदू युवा वाहिनी की महिला प्रकोष्ठ की बहनों ने माता रानी को चुनरी की भेंट। टीकमगढ़ में हिंदू युवा वाहिनी की महिला प्रकोष्ठ लक्ष्मीबाई वाहिनी द्वारा प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माता रानी को चुनरी भेंट कर कन्याओं का पूजन, महाआरती एवं प्रसाद का वितरण किया गया। महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती अंजलि अग्रवाल ने बताया कि संपूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य माँ की भगवती से समस्त जगत के प्राणियों की कोविड-19 रूपी महामारी से रक्षा करना, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, साथ ही हमारे देश की रक्षा में लगे हमारे वीर जवान स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, माँ भगवती उन्हें शक्ति प्रदान करें। इस अवसर पर प्रीति, मिनी खरे, नैन्सी कड़ा, दामिनी कड़ा, ललिता, साक्षी, गीता, आकृति, संस्कृति, सोनम सहित आदि भक्तगण उपस्थित रहे। क्या नाम आपका? तेज बोलो। अंजलि अग्रवाल। आज आपके द्वारा क्या कार्यक्रम किया जा रहा है इस मंदिर से? ये हमारा चुन्नी दर्शन यात्रा का प्रोग्राम है, जो कोविड को देखते हुए हम लोगों ने इसको छोटे रूप में कर दिया है, क्योंकि इस प्रोग्राम में पूरी महिलाएं और बच्चे ही होते थे, लंबी यात्रा रहती थी, धूप काफी तेज है, तो छोटे रूप में हम लोगों ने इसको कर दिया है। यहाँ मंदिर में महाआरती, चुन्नी दर्शन यात्रा, कन्या पूजन, इसके साथ हम लोगों ने प्रोग्राम कर दिया है। और हमारे इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है कि माता रानी से प्रार्थना है कि ये महामारी जल्दी से जल्दी खत्म हो, और बॉर्डर पे जो सैनिक लगे हैं तो सैनिक स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें, और ऐसे ही अपने देश के लिए काम करें। ये यात्रा मंदिर से शुरू होकर कहाँ पर जाएगी? हमारी यात्रा मंदिर से शुरू होकर छोटी देवी जी मंदिर पे इसका हम लोग समापन करते हैं। लड़कन लड़कन तैयार कर।